हेलो, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मेरी दुनिया की झलक में आप सबका स्वागत है। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। ये देखिए, जो मैंने मेथी लगाई थी ना, जो मैंने डाली थी मेथी गमले में, अच्छे से उगने लग गई है अभी। एकदम हरे हरे मस्त खिलने लगी। पता नहीं कब बड़ी होगी अभी ये मेथी। अब मैं ना थोड़े बालों में ना आज मेहंदी लगाने का सोच रही थी। काफ़ी टाइम हो गया नहीं लगाया। ऐसे तो मैंने पहले भी मेहंदी आपको बताया था कि मैं किस तरह से, सबका अपना अपना होता है तरीका। तो मैं ना आज एक कॉफ़ी और चाय की पत्ती का पानी मैंने उबाल लिया है पहले, और अब मैं इसको छान लूँगी। और इस पर ना अब मैं इसमें 4 से 5 चम्मच जितना मेहंदी पाउडर डाल दूँगी, यानी है ना। और इसके बाद में ना मैं डालूँगी इसमें आंवला पाउडर 1 चम्मच, और फिर मैं डालूँगी इसमें ये इंडिगो पाउडर है, ये भी 1 चम्मच डाल दूँगी। और ये भृंगराज पाउडर डाल रही हूँ इस बार मैं, क्योंकि ना मानसून चल रहा है ना, तो थोड़े हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं, तो बस हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए एक भृंगराज पाउडर भी डाल दूँगी 1 चम्मच। और फिर मैं ना बाद में जब अप्लाई करूँगी ना, उसके पहले एक ऐसी चीज़ डालूँगी जिससे ना बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए ये ना, हाँ मैं ना मुल्तानी मिट्टी डालूँगी इसमें, इससे ना बिल्कुल हमारे बाल ना एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो 1 चम्मच ना मुल्तानी मिट्टी, और थोड़ा सा ना 1 चम्मच में जो मेरा घर में बनाया हुआ ऑयल है ना, हेयर ऑयल, वो 1 चम्मच डाल दूँगी, जिससे ना मेहंदी एकदम ड्राई भी नहीं होगी और इजीली ना हमारे बालों से निकल जाती है जब हम इसे वॉश करते हैं। तो अभी है ना अच्छे से 1 घंटे भीग गई है। अब मैं अपने बालों को अप्लाई कर देती हूँ सारा मेहंदी। बस एक से डेढ़ घंटा मैं अपने बालों पर रखूँगी, और फिर देखिए मैंने हेयर वॉश कर लिया, इतने अच्छा कलर आया है ना मेहंदी का, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए मेरे बाल। और फिर अब मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। मुझे याद आया कि अरे मिक्स वेज बनाना है, लेकिन मिक्स वेज का मसाला ही ख़त्म हो गया, तो मैंने फटाफट से मिक्स वेज का मसाला बना दिया। देखिए मेरी बॉटल एम्प्टी हो गई थी, अब मैं इसे फिल करके रख दूँगी। मैं इसे लिख देती हूँ बॉटल पे, ताकि क्या पता चले कि बॉटल में क्या है। और ये मैंने, मेरे पास में ना कुछ 4-5 सब्जियाँ थी घर में, तो मैंने बस उसी को कट कर लिया अच्छे से धो के। और मैं ना मिक्स वेज जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं उसे फ्राई करके निकाल देती हूँ पहले सारी सब्जियों को, ताकि क्या ना एक अच्छे से ऐसे क्रंचीनेस आना चाहिए सब्जियों में। तो मैंने आलू, गाजर, बीन्स, कैप्सिकम को मैंने अच्छे से वॉश करके फ्राई कर लिया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और है ना बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको ना मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो बस मैं अभी सब्जी बना दूँगी फटाफट से, और सबको परोस दूँगी गरम गरम रोटी बनाकर। तेल में थोड़ा सा जीरा और हींग पाउडर डाल के टमाटर मैंने डाल दिए उसमें। टमाटर अच्छे से थोड़े मेल्ट हो गए, अच्छे से गल गए, तो अब मैंने ना इसमें सारी अपनी फ्राई की हुई सब्जियां डाल दी है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल कलरफुल। मिक्स वेज बहुत ही कलरफुल लगता है। बस इसमें भी मैंने ना हल्का सा नमक डाल दिया, और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब
अब ना सब्ज़ी अच्छे से कुक हो गई है, तो अब मैं ना इसमें फ्रोज़न मटर डाल दिए मैंने, और ये मैंने मिक्स वेज का फ्रेश वाला जो बनाया था अभी वो पाउडर डाल दिया। बस इसके बाद में ना हमें कोई और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्की सी चीनी डाली है मैंने, और थोड़ा सा ग्रेवी रखने के लिए ना मैंने हल्का सा पानी डाला इसमें। और अब मैं ना लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी एक चम्मच जितना ना फ्रेश मलाई डाल देती हूँ मैं। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा है ना, एक रिच फ्लेवर आ जाता है इसमें, सब्ज़ी भी एकदम रिच बन जाती है। तो बस गरम गरम रोटी के साथ में खाएंगे। शाम के ना कुछ 4:15-4:15 हो रहा है, तो अब ना चाय बनाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन है ना थोड़ी थोड़ी खांसी चल रही है सबको। मौसम ऐसा चेंज हो रहा है ना, कभी धूप कभी बारिश, देखिए अभी भी बारिश आकर गई है और बादल भी एकदम काले काले हो रहे हैं। कभी कभी धूप आ जाती है और फिर हम ठंडा पानी पी लेते हैं, मतलब मौसम एकदम बदल रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा ना काढ़ा बना देती हूँ पहले। तो मैंने ना ये पानी में अदरक डाल के रखा है, और ये ना मैं डाल रही हूँ अड़ुलसा का जो पत्ता होता है ना, तो वो खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है, जल्दी हमें खांसी से रिलीफ मिलते हैं। तो अड़ुलसा का पत्ता, और मैंने ना मुलेठी का पाउडर डाला है इसमें। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह से पत्ते होते हैं अड़ुलसा के, तो इस ये ना सूखने के बाद में कुछ ऐसे बन जाते हैं। तो बस इसी के 4-5 पत्ते आप डाल दीजिए पानी में, इसे अच्छे से बॉयल कर दीजिए, जैसे 2 ग्लास का 1 ग्लास बना दीजिए आप पानी। और फिर इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी काली मिर्च कूट के, 4-5 काली मिर्च डाल दूंगी इसमें। और ये ना हाँ तुलसी ज़रूर से हमें डालना है, तो मैंने ना अच्छे से फ्रेश वाली तुलसी तोड़ ली है 4-5 पत्ते इसके, और ये मैं डाल दूंगी काढ़े में। तो अदरक, अड़ुलसे का पत्ता, मुलेठी और तुलसी और 4-5 काली मिर्च, बस इतना ही हम डालेंगे। तो ये ना खांसी के लिए बहुत अच्छा काढ़ा है ये। और फिर अगर आपको चाहिए तो आप पीते समय इसमें हनी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। ये देखिए ना मुलेठी का इस तरह से पाउडर है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मुलेठी कैसे दिखती है। ये देखिए इस तरह से ना लकड़ी के फॉर्म में होती है मुलेठी, तो बस आप इसे पीस लेंगे ना तो उसका पाउडर बन जाएगा। तो बस बिल्कुल काढ़ा बन गया, रेडी है, हम लोग पीते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।